News 18, India. और खबर जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग से, जहां जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। आलम यह है कि घरों की छतें बर्फ की सफेद चादर से ढक गई हैं, वहीं पेड़ भी संगमरमर की तरह चमक रहे हैं। सड़कों पर तो बर्फ की मोटी परत जम चुकी है, जिसकी वजह से कई जगह रास्ते भी बंद हो चुके हैं। गुलमर्ग दुनिया भर में मशहूर है, यहाँ पे आज हर तरफ से बर्फ ही बर्फ है। हम इस वक्त अफरवट पहाड़ियों पे हैं, जो सबसे ऊंचा पहाड़ है इस पूरे एरिया में। तो ये पूरा आप देख सकते हैं, यहाँ पे जन्नत का एक नज़ारा आप खूबसूरती देख सकते हैं। हर तरफ से हैं और दुनिया भर से आजकल यहाँ पे टूरिस्ट आ रहे हैं, देश भर से टूरिस्ट आ रहे हैं और वो एंजॉय कर रहे हैं इन लम्हों को। ये खूबसूरत नज़ारा शायद ही हमारे दर्शकों ने अभी तक देखा होगा। पूरा अगर आप ये एरिया देखेंगे, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत एरिया है। यहाँ की खूबसूरती देखते ही बनती है। तो ये खूबसूरत नज़ारे हम देश भर से, दुनिया भर से देखने वाले दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं और ऐसा नज़ारा शायद ही उन्होंने कभी देखा होगा। ये पूरा वादी देखिए, ये पूरा एरिया देखिए कि किस तरीके का खूबसूरत नज़ारा इसमें है। यहाँ पे तकरीबन 10 फीट बर्फ इस वक्त मौजूद है और हम उस बर्फ के ऊपर से चल रहे हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँ पूरा व्यू आपको दिखाएं, पूरा ये एरिया दिखाएं। और इस एरिया में न्यूज 18 इंडिया की टीम अपने दर्शकों को दिखाएगी गुलमर्ग का वो नज़ारा जो शायद आज तक उन्होंने कभी देखा नहीं होगा। ये अलग ही एक अद्भुत नज़ारा है और ये नज़ारा आप तक पहुंचाने के लिए मुझे बहुत ऊपर जाना पड़ा। और सुनो मोबाइल पे हम इस वक्त हैं और ये भी अब ये मशीन्स गुलमर्ग की जान बन गई है, गुलमर्ग की पहचान बन गई है। यही वो मशीन्स हैं जो इन पहाड़ों का सैर कराते हैं और वो भी मिनटों में। रिफत अब्दुल्ला, न्यूज 18 इंडिया, अफरवट। नमस्कार, सुबह के 8 बजने को हैं। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। बड़ी खबर, वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी तहखाने में पूजा की अनुमति पर रोक लगाने की याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आ सकता है। मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुबह 10 बजे इलाहाबाद हाईकोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की कोर्ट में आज इस मामले में सुनवाई होनी है। कोर्ट का फैसला आने के बाद यह तय हो जाएगा कि व्यास जी तहखाने में नियमित पूजा होती रहेगी या फिर इस पर पहले की तरह रोक लगा दी जाएगी। इससे पहले इस मामले में फैसला सुनाते हुए वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने व्यास जी तहखाने में काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास को पूजा का अधिकार दिया था, जिसे ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। और अब आज सुबह 10 बजे इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट में जो सुनवाई हुई है उसमें फैसला सुनाया जा सकता है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, मस्जिद कमेटी की याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई जो होनी है और उस पर आज फैसला आ सकता है। पूजा का अधिकार दिया गया था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ से और उसको लेकर चैलेंज किया गया था और अब आज सुबह 10 बजे इस पूरे मामले को लेकर फैसला सुना सकता है हाईकोर्ट। तो आपको बता दें, आज बड़ा दिन, ज्ञानवापी मस्जिद मामले में जो पूजा का अधिकार मिला है उसको चैलेंज किया गया था, यानी जिला कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया गया था हाईकोर्ट में और आज इस पूरे मामले पर हाईकोर्ट अपना फैसला सुना सकता है सुबह 10 बजे। मस्जिद कमेटी ने तहखाने में पूजा पर रोक लगाने की मांग की थी। ये पूजा की अनुमति डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आदेश पर हुई थी और उसको चैलेंज किया गया था कोर्ट में, जिसको लेकर आज हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही थी और आज उस पर फैसला सुबह 10 बजे सुनाया जा सकता है। यानी मस्जिद कमेटी की पूजा पर रोक की जो मांग थी उसको लेकर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। तो सबकी इस फैसले पर नजर रहेगी। मस्जिद कमेटी की तरफ से एतराज जताया गया था कि जो पूजा की अनुमति डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ से मिली थी उसको लेकर अब आज इलाहाबाद हाई कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि व्यास जी तहखाने में पूजा जो नियमित हो रही है उस पर पहले की तरह रोक लगा दी जाए, ये एक तरह से चैलेंज किया गया था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले को मस्जिद कमेटी की तरफ से और इस पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट अपना फैसला सुबह 10 बजे सुनाएगा। तो व्यास जी तहखाने में काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास को पूजा का अधिकार दिया गया था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ से माफ कीजिएगा, जिसे ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज किया था। अब उसको लेकर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट अपना फैसला सुना सकते हैं। और आइए सीधे रुक करते मेरे सहयोगी प्रयागराज से इस वक्त जुड़ रहे हैं सर्वेश दुबे। सर्वेश,
बड़ा दिन, आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और अब आज उस पर फैसला सुना सकता है कोर्ट। देखिए निश्चित तौर पर आज कोर्ट ने जजमेंट डिलीवर करने का टाइम दिया है, सुबह 10 बजे जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच इस मामले में फैसला सुनाएगी। दरअसल ज्ञानवापी परिसर में जो व्यासी तहखाना स्थित है वहां पर पूजा अर्चना पहले व्यास परिवार किया करता था और इस मामले में व्यास परिवार की ओर से जिला जज के कोर्ट में एक मुकदमा दायर किया गया था, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 31 जनवरी 2024 को फैसला दिया था कि वहां पर पूजा अर्चना की इजाजत दी जाए और 17 जनवरी को उसके पहले ही कोर्ट ने एक आदेश के तहत डीएम वाराणसी को रिसीवर नियुक्त कर दिया था और उसी आदेश के कंप्लायंस में रात को ही वहां पर बैरिकेडिंग कर दी गई थी और पूजा अर्चना शुरू कर दी गई थी। आज का फैसला इसलिए भी अहम है क्योंकि आज के फैसले के बाद यह तय हो जाएगा कि व्यास जी तहखाने में आगे भी पूजा अर्चना होती रहेगी या फिर उस पर सर्वेश। ऐसा हमने देखा है, बहुत कम ऐसा होता है जब जो लोअर कोर्ट फैसला सुनाती है उससे बदलकर हाईकोर्ट जो है वो अपना फैसला सुनाए, तो उम्मीद बहुत कम है। देखिए निश्चित तौर पर उम्मीद बहुत कम है क्योंकि 93 तक वहां पर पूजा अर्चना होती थी और इसी बात की दलील सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट सीएस वैद्यनाथन ने दिया है, जिन्होंने कि अयोध्या के मामले में भी बहस की थी, पक्ष किया था, उन्होंने तमाम तरह की दलीलें पेश की हैं और ये कहा था कि ये पूरा मामला 1991 के वर्शिप एक्ट से बार्ड नहीं है। इसके साथ ही साथ ये भी कहा गया था कि 93 तक वहां पर पूजा अर्चना होती थी। हालांकि जो मुस्लिम पक्ष की आपत्ति थी, आपको बता दें कि मुस्लिम पक्ष का कहना था कि 1991 के वर्शिप एक्ट से बार्ड है। इसके साथ साथ मुस्लिम पक्ष ने और भी आपत्तियां की थी, मुस्लिम पक्ष का कहना था कि अगर जिला जज के आदेश में अवैधानिकता है और वो पूरी तरह से वैधानिक नहीं है क्योंकि वहां पर आनंद फानंद में जिस तरह से वहां पर जिला जज ने तुरंत उसके आदेश के बाद जिला मजिस्ट्रेट ने वहां पर पूजा अर्चना की इजाजत दे दी। इसके अलावा यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से भी ये दलील दी गई थी कि जिला जज ने अपने रिटायरमेंट के बाद बाकायदे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उसमें ये बताया कि उन्होंने ये फैसला दिया, इसका मतलब है कि ये इन्फ्लुएंस। चलिए आप बने रहे, मेरे एक और सहयोगी अमित सिंह इस वक्त सीधे लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए। अमित, अगर देखा जाए जो एतराज मस्जिद कमेटी की तरफ से जताया गया था, जो याचिका डाली गई थी, उस पर सुनवाई के बाद आज फैसला आएगा तो अहम दिन उस हिसाब से, क्या कुछ कहा गया था जो ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी की तरफ से याचिका डाली गई थी उसमें? देखिए सुबह 10 बजे इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है वो फैसला सुना देगा कि व्यास जी के तहखाने में जिस तरीके से पूजा अर्चना हो रही है वो लगातार इसी तरीके से जारी रहेगी या फिर उस पर स्टे लगेगा, इस पर सुबह 10 बजे फैसला सुना दिया जाएगा। और अगर हम बात करें तो मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने जिस तरीके से याचिका दायर की थी 31 जनवरी के जिला जज के फैसले के खिलाफ वो हाईकोर्ट मूव किए थे और उन्होंने कहा था कि इसमें वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है और इस तरीके से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो फैसला नहीं सुना सकता है। और एक और दलील दी थी कि वो अपने रिटायरमेंट के आखिरी दिन में इस तरीके का उन्होंने फैसला सुनाया है। बिल्कुल, तो आज अहम दिन है। अमित सिंह और सर्वेश, आप दोनों नजर बना रखे, जैसे ही कोई अपडेट आएगा 10 बजे जैसे कि बता रहे हैं आपकी फैसला आएगा, हम एक बार फिर आपके पास लौटेंगे। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।